हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टेक आर्ट में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो हम एडिट करने वाले हैं कुछ इस टाइप का एडिट होने वाला है। और गाइज मैं इस एडिट में पिक्सआर्ट का यूज़ करूँगा, तो पिक्सआर्ट प्रीमियम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। साथ ही साथ जो लाइट रूम में यूज़ करने वाला हूँ रिटचिंग के लिए, उसका भी लिंक आपको प्रीमियम वर्जन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जितने भी PNG में इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ड्राइव लिंक। आप बहुत ही आसान तरीके से उसको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो आपकी फ़ोटो को एडिट करने में। बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, अपनी दोस्तों को शेयर करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग लाइक नहीं करते यार, वीडियो देखने के बाद चले जाए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट लाने की। और गाइज अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से पहले ऊपर अपडेट कर देता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टाइप का लेके आने वाला हूँ अपने चैनल में। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप ओपन करो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप यहाँ पर जाओ। जाने के बाद जो एडिट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करो, और जो फर्स्ट बैकग्राउंड है उसको आप यहाँ से चूज़ कर लो। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को चूज़ कर लूँगा। और चूज़ करने के बाद जो टूल्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो ये जो इस ऑप्शन पर जाओ ब्लर वाला ऑप्शन पर, और इसको आप एडजस्ट कर लो आपके हिसाब से। यहाँ पर ब्लर बैकग्राउंड को ब्लर करना होगा, तो मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड का ब्लर है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगा यहाँ से। तो ये मैंने कर दिया, उसके बाद कर देंगे यहाँ से डन। ओके, डन करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा मॉडल का फ़ोटो है वहाँ पर ऐड करना है, तो ऐड फोटो में जाएंगे और जो मॉडल का फ़ोटो है उसको मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा और कर देंगे यहाँ से उसको एडजस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो जो मॉडल का फ़ोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है, उसके बाद कर दूंगा डन। उसके बाद फिर से जाऊँगा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद जो वाटर वाला PNG है उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो आप देखना एकदम कमाल हो जाएगा। ये देखो पहले तो पैर पानी के ऊपर है, और आप यहाँ पर देख सकते हो लग रहा है कि पैर एकदम पानी के नीचे चला गया है, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। तो उसके बाद कर देंगे यहाँ से डन। डन करने के बाद फिर से जाएंगे ऐड फोटो में। उसके बाद जो PNG है ये लेंस वाला PNG, इस PNG को हम ऐड करेंगे। और भी एक PNG है तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगा, और जाएंगे यहाँ पर ब्लेंड मोड में, और जाने के बाद इसको लाइट लाइट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद कर देंगे यहाँ से डन, ठीक है। उसके बाद फिर से और एक PNG है, इस PNG को हम ऐड करेंगे और इसको भी फुल एडजस्ट कर देंगे, और जाएंगे फिर से ब्लेंडिंग मोड में और इसको स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा एडिट है वो कम्प्लीट हो चुका है। अभी हम जाएंगे लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, तो इस फोटो को पहले सेव कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर ड्रॉ पे जाएंगे, ड्रॉ पे जाने के बाद 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेव इमेज कर लेंगे। तो हमारा जो फोटो यहाँ पर सेव हो चुका है, तो अभी हम ओपन करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो तो हमारा जो फोटो है वो लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा रिटच करेंगे। रिटच करने के लिए सबसे पहले आपको ऑटो पे क्लिक करना होगा। ऑटो पे क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है काफ़ी हद तक जो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाता है। उसके बाद हम जाएंगे इस फोटो में, आप देख सकते हो जो एडजस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट हमको करना पड़ेगा। तो गाइस हाईलाइट को हम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे ज़्यादा, और वाइटनेस बढ़ा हुआ है। उसके बाद ब्लैक को हम थोड़ा सा ज़्यादा कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको हटा देंगे यहाँ से, जाएंगे कलर में। कलर में जाने के बाद जो वाइब्रेंस है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और टिंट को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और जाएंगे मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद जो हमारा वाटर का कलर है यहाँ पर आप देख सकते हो वाटर का जो कलर है ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में जाएंगे और इसका कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सैचुरेशन है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और लुमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। उसके बाद कर देंगे यहाँ से सिंपली डन। डन करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर शार्पनेस के ऊपर, और यहाँ पर जो शार्पनेस है इसको हम बढ़ा देंगे, और जो नॉइज़ रिडक्शन है उसको भी बढ़ा देंगे, ताकि जितने भी नॉइज़ हो आपकी फ़ोटो में वो सारा कुछ जो है निकल जाए यहाँ से। कलर नॉइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और डिटेल और स्मूथ ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है पहले से ही। उसके बाद इसको हटा देंगे, जाएंगे क्लैरिटी में। उसके बाद जो टेक्सचर है ये नया ऐड हुआ है, जो टेक्सचर वाला ऑप्शन है ये नया ऐड हुआ है, तो जो नया वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो टेक्सचर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं 10 तक बढ़ाएंगे, और क्लैरिटी को हम बढ़ाएंगे। उसके बाद जो DHA उसको हम 10 तक बढ़ाएंगे,
और जो विगनेट है इसको हम माइनस कर देंगे। तो गाइस हमारा जो फ़ोटो है एकदम रिटच कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा फ़ोटो पहले कैसा था और रिटच करने के बाद कैसा बन चुका है। तो इस फोटो को अभी हम सेव करेंगे, तो सिंपली थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करके जो हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी है उसको ओके कर देंगे और हमारा जो फ़ोटो है वो अभी सेव हो रहा है। तो गाइज आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोटो है सेव हो चुका है, तो सिंपली कर देंगे ओके। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी है उसको भी दबा देना, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।